बहुत थका हूं, थोड़ा घर में आराम करता हूं मैं। ये दोनों हर रोज लड़ते हैं। इस छोटे से घर को फलस्तीन बनाया है। इनकी शोर से मैं बहुत तंग हो चुका हूँ। थोड़ा गाना सुनता हूँ अब। ये कौन? अल्लाह माफ कर इतना बड़ा मुंह। प्रेंकु। किस लिए आए हो तुम? आपने ड्रिंक ऑफर किया इसलिए मैं आया। इस टाइम मैं बियर नहीं पीता। क्या? छोड़ो ये, बैठो इधर। लूटोगे तो नहीं मुझे? नहीं नहीं, पहले मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। चोरी करने से बेहतर है बंदा एक गिलास पानी में डूब मरे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इसलिए आया हूँ, आपको तो मेरी मदद की जरूरत नहीं है। वो तो मैं हाजिर हूँ। सुन, मैं रिटायर हूँ। तो इसलिए आप पेशेंट्स की तरह लेटे हो। उठो, जिंदगी में कुछ करो। मुझे आदत हुई है अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारना, लेकिन आप मेरी तरह ना होना। आप अच्छे बच्चे हो, अगर आप मेरा मशवरा चाहते हो तो चोरी नहीं करना। मेहनत करो, मेहनत से हर चीज कमाओ। चोरी, लूट, लोगों का कत्लेआम करना, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को गुजार चुका हूं इन्हीं गंदे कामों में। अपने कॉलेज जाओ, लोगों को मारकर इनके पैसे चुराना अच्छी बात नहीं है। छोड़ दो उन रस्तों को। आप अभी अपने कुछ जिंदगी के बारे में बताइए। आपने ऐसा क्या काम किया जो पुलिस आपको ढूंढ रही है? मैंने क्या किया है? मैंने बहुत सी औरतों को विधवा किया है। आप मुझे बता सकते हैं तकरीबन कितनी औरतों को आपने? उस टाइम मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। क्या करोगे ये जानकर? पैसे पूछ रहा हूँ। बस अब बहुत हुआ, ड्रिंक नहीं है, अपने घर जा। फिर आपने मुझे ड्रिंक के लिए फोन क्यों किया था? नहीं है, बस उठ जा। आप पहले ठीक थे, अचानक गुस्से में पता नहीं क्या हुआ मुझे। अचानक पिछले गंदे कामों को छोड़कर फिर भी मैं जिंदगी से परेशान हूँ। अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ मैं। ओ मैन, आज के बाद मैं हूँ आपके साथ। इन बातों को छोड़ो, अब मेरा मूड खुल गया। चलो जाकर बाहर ड्रिंक पीते हैं। आ रहा हूँ आपके साथ जहाँ आप बोलोगे। ए जिम्मी, कहाँ हो तुम? डैड, मुझे बॉट के साथ किडनैप करके ले जा रहे हैं किम लुका के आदमी। डैड, अभी तुम कहाँ हो जिम्मी? अभी हम वेस्टर्न हाईवे पे है, जल्दी आओ डैड। बेटे, उन्हें मेरा कहो, डॉन माइकल का बेटा हूँ। डैड, मैंने उनसे ये भी कहा, लेकिन वो आपको नहीं जानते। क्या वो मुझे नहीं जानते? तुम डरना नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ डैड। क्या हुआ? किसका फोन था? जिम्मी का फोन था। जल्दी आओ, उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं हकीम लुक्का के आदमी। अब वो कहाँ है? वेस्टर्न हाईवे पे है। हकीम लुक्का को मैं जानता हूँ, उस साले से पहले भी मैं पंगा ले चुका हूँ। मैं भी जानता हूँ साले को। हम शरीफ क्या हुए कि लोग हमारे साथ कुछ भी करेंगे। मैंने ये खून खराबे वाला रास्ता छोड़ दिया है, मगर ये लोग मुझे अच्छा बनने के लिए नहीं छोड़ते। वो रहा मेरा बॉट। हाँ फ्रैंक बेटे, कभी तूने किसी की जान ली है? हाँ, एक दफा मेरी लड़ाई हुई हकीम लुक्का के गैंग के साथ। मजबूरन उनके गैंग मेंबर्स को मुझे ऊपर पहुंचाना पड़ा। अब वो वक्त आ गया है, मैं कार को बोट के करीब लाता हूँ, उस पर चढ़ना। ठीक है, जल्दी करीब ला। वो साले तेज जा रहे हैं, थोड़ा वेट करो। आपने फिर एरोप्लेन की ऑयल क्यों नहीं डाली इस कार में? जल्दी में था इसलिए। अब चढ़ उस गाड़ी पे। थोड़ा और करीब, स्पाइडर मैन दौड़ी हूँ। मगर बेटे, तू स्पाइडर मैन से कम भी नहीं है। ये बात आपने ठीक कहा, मुझे खुशी हुई अपनी तारीफ सुनकर। ए अब चढ़ो। हाँ अब मैं बताता हूँ छालों को। फ्रैंक, दयान से गिर न जाना।
फ्रैंक अब बच्चा है, लेकिन खुशी इस बात के किसी काम से नहीं डरता। मुझे उस पे यकीन है, वो मेरे बेटे जिम्मी और पैट को सही सलामत लाएगा। साले ने कार की बोनट पे गोली चला दी। शिट! आराम से पिल्ले, तू मुझे मारेगा। अब वहां जा, जान से आया तो। बहुत अच्छे फ्रैंक, आई प्राउड ऑफ यू माई सन। इसी तरह फ्रैंकलिन भी जिम्मी की उम्र का है, कितना अच्छा लड़ रहा है। एक जिम्मी बोर्ड तो क्या खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकता। अब दूसरा गैंग मेंबर भी आ गया, उससे जान अभी छुट गया तो ये आया, स्टार प्लस के ड्रामों की तरह। अब इस साले की मौत मेरे हाथों लिखी है, ये ले। बहुत अच्छे अंकल, अब कार करीब ला। ला रहा हूँ। अब जिम्मी की बारी है, अंकल जल्दी आओ। आया मैं। जिम्मी मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, डरना नहीं। मुझे डर लग रहा है, ए डैड बचाओ। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तू भी मर जा। डैड मुझे बचाओ। मैं आया बेटे। ये ले तू। ए डैड, वो बच गया लेकिन तू नहीं बचेगा। ये ले, मुझे मारने चला था, मुझे मारने वाले सब कब्रिस्तान में है। बहुत अच्छा काम किया तूने फ्रैंक, मेरा दिल खुश किया। अब मैं कार करीब लाता हूँ, बोनट के ऊपर जंप मार। कार करीब लाओगे तो मैं जंप मारू, और करीब ला, मेरे पाँव भी काम रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ। थोड़ा और करीब, और करीब। अब कार की बोनट के ऊपर जंप मार। अब जल्दी कार के अंदर आओ, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम तो कार में बैठे हो, मुझसे पूछो, फाइट करने के बाद बहुत थका हूँ, घुटनों में तकलीफ शुरू हुई। इस उम्र में घुटनों में तकलीफ, संधि सुधा इस्तेमाल करो, अब जल्दी बैठो। लगता है कार की इंजन गोली लगने की वजह से खराब हो गई, अब हमें गैराज की तरफ जाना है। मगर डैडी वो बोट। सुपरमैन तोड़ी हूँ जिम्मी, के भाग कर पकड़ूंगा। अब हमें गैराज की तरफ जाना होगा। ये गैराज पहुंच गया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम कार को बनवा लो, ठीक है? मैं आगे आना चाहता हूँ। फिर कार को सीधा घर लाना। मैं इसे लाता हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो, कार है कोई एरोप्लेन नहीं, मैं इसे चोरी नहीं करूँगा। नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटे। मेरे जेब में पैसे नहीं है कार के लिए। वो फ्री में करेगा। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर, अब हम दोनों कार को बनवा कर क्लब जाएंगे। नहीं, हम दोनों सीधा कर जाएंगे। 5 दिन पहले मैंने कार बनाया, आज उसने रेस में एरोप्लेन को हराया। ओ माय गॉड, मैं भी अकेलेपन में अपनी तारीफ करता हूँ। कार उधर खड़ी करो, कार में क्या अपडेट करवाना चाहते हो? देखते नहीं, कार के इंजन से धुआं निकल रही है। अच्छा, ये बन गया इंजन, और क्या अपडेट करवाना चाहते हो? सिर्फ इंजन। बहुत कंजूस इंसान हो आप, जो चीज फ्री है वही बनवाते हो सिर्फ। अब क्लब जाए? नहीं जिमी, सीधा घर जाते हैं, आज मैंने जो इज्जत हासिल की है वो गवाना दू। घर पहुंच गए। अब तुम कहाँ जा रहे हो, हम दोनों एक साथ खेलेंगे। अब हमारी खेलने की उम्र खत्म हो गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब बैठकर बातें करेंगे, जैसे मूवी देखेंगे, ड्रिंक पिएंगे, पतंग उड़ाएंगे। अब नखरे नहीं करो। सुन, मेरा नंबर तुम्हारे साथ है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं आऊंगा। सच्ची में? हाँ प्रोमिस। प्रोमिस पूरा करना, जब मेरी जरूरत हुई तो मैं घर में हूँ। ठीक है। बहुत बातें करता है जिमी।